आर्यन को पहला पॉइंट काक्षोर के खाते में प्राप्त होता हुआ। और यहाँ पे काक्षोर की ओर से पहली रेड, आर्यन सागर को अभी भी पहले पॉइंट की तलाश जारी। पहला पॉइंट काक्षोर को डिफेंस के रूप में प्राप्त हो चुका है और दोनों टीमों को डिफेंस के रूप में एक एक पॉइंट प्राप्त होते हुए नंबर। और यहाँ पर राहुल रेड के लिए आए और बड़ी तेजी के साथ वापसी कर गए और उसके जवाब में कार्तिक रेड के लिए मौजूद, काफी कार्तिक और यहाँ पे हाथ डालने की कोशिश की लेकिन सभी ने अपने आप को बचाया। कुछ हद तक सभी का तालमेल ठीक ठाक रहा, राइडर हो या डिफेंड। और अगली रेड यहाँ पे काक्षोर की ओर से सात के डिफेंस में रेड जारी। शाम का माहौल और शाम के माहौल में ना तो गर्मी है ना तो धूप, एकदम क्लियर मौसम में फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है और सभी मैच का थर्ड रेड टू आर आई रेड बिगुल बज चुका है कार्तिक के लिए। कार्तिक को पॉइंट की सख्त जरूरत, बिना पॉइंट कार्तिक वापसी नहीं कर पाएंगे, पॉइंट लेना ही लेना पड़ेगा भाई, तो ही बात बन सकती है अन्यथा 30 सेकंड से एक्स्ट्रा, एक भी सेकंड एक्स्ट्रा लिया तो भी बिना बताए राइडर को बाहर जाने का मौका मिल सकता था। लेकिन यहां पर अंपायर की गिनती शुरू, टू पॉइंट दबाए आर्यन सागर घोड़वा। थर्ड रेड टू आर डायरेक्ट योगेश को आमंत्रित किया है थर्ड रेड के लिए काक्षवण ने। योगेश जैसे योगेश का खेल का जो उनका खेल है और 6-7 साल पहले जो योगेश का खेल चलता था वो अब दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है प्रैक्टिस में ना होना। शायद राइडर को बाहर रख किया गया है, पॉइंट आर्यन सागर के झोले में जाता हुआ। सुपर टेक ऑन और कार्तिक गए और बहुत ही जल्द यहां पर कार्तिक ने अपने टीम के लिए पॉइंट बटोरा। एक और बढ़िया पॉइंट कार्तिक एंड ध्रुव आर्यन के नाम होता हुआ। राहुल अपने टीम को क्या ऑल आउट से बचा पाएंगे या नहीं? ऑल आउट से अगर बचाना है तो राहुल को चमत्कारी रेड करनी होगी भाई, तभी बात बन सकती है अन्यथा राइट राउंड 1 पॉइंट आर्यन सागर गोलवान। तो यहां से निश्चित तौर पर ऑल आउट का झटका मिलता हुआ काक्षोर को, 1+2 3 पॉइंट आर्यन सागर गोलवान, ऑल इन बाय काक्षवण। शायद हमारे नीलेश भाई 2023 की जानकारी दे रहे हैं मुझे, पिछले साल यही दो टीमें थी जो फाइनल में थी। फाइनल किसने लिया था फिर? आर्यन सागर ने यहाँ का फाइनल जीता था दादा, ऐसा नीलेश ने मुझे एक यादगार पल महसूस करवाया और इस साल भी वही उनका जीत का सिलसिला जारी रहेगा या जीत का सिलसिला काक्षोर रोक देगी, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। कार्तिक अभी तक तो कुछ हद तक पलड़ा, आर्यन का थोड़ा सा तगड़ा और बढ़िया लग रहा है लेकिन मैच में ये पहला अप चल रहा है, अभी भी बहुत वक्त बचा हुआ है दादा, कुछ भी हो सकता है मैच में, एक रेड मैच को बदल देती है, एक रेड मैच में यू टर्न दिला देती है, ये खेल है कबड्डी का।
सर्वांना विनंती करेल मी 29 तारखेला सर्वांनी मोठ्या संख्येने जैतापूर या गावी क्रिकेट सॉरी कबड्डीच्या मॅचेस साठी आपण सर्वांनी यायचं आहे। फक्त ग्रामीण संघांना त्या ठिकाणी चान्स आहे। संध्याकाळी 6 वाजेपासून खेळाला सुरुवात होणार आहे। 7 खेळाडूंच्या ऐवजी त्यांनी 14-15 खेळाडूंचे किट बनवलेले आहे आणि चांगली त्यांची सोच आहे। त्यांची सोचला मी किती मी शब्द पेश केले तरी ते कमी पडतील। या ठिकाणी कार्तिक कारेच्या भूमिकेत 7 नंबर जर्सी घातलेला खेळाडू आर्यन सागर संघाकडून आणि या ठिकाणी एम्प्टी रीड केलेली आहे कार्तिकने। डिगोल बच चुका है काक्षोड़ के लिए थर्ड रेड का इशारा। पॉइंट जरूरी है, बोनस से हो या टच से पॉइंट जरूरी, वो भी 30 सेकंड के भीतर। राइट आउट 1 पॉइंट आर्यन सागर गोलवाड़। थर्ड रेड के मास्टरमाइंड खिलाड़ी मंगेश, मंगेश को ज्यादा से ज्यादा आर्यन सागर की टीम थर्ड रेड में यूज करती है। राइट आउट 1 पॉइंट काक्षवड़ बनाम आर्यन सागर। ये फाइनल मुकाबला 2024 का चलता हुआ काक्षवड़ की भूमि पर। जो जीतेगा वो पहले इनाम का हकदार बनेगा। कौन सी टीम पहले नंबर का इनाम अपने नाम कर पाएगी ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। राइट आउट 1 पॉइंट बाय आर्यन सागर गोवाड़। अगली रीड एक बार फिर से कार्तिक। जब तक डोंगरिया रीड में नहीं जाता शायद टीम मूड में वापस नहीं लौट सकती। राहुल और डोंगरिया पुराने खिलाड़ी है पवन पुत्र टीम के। पहले सेमीफाइनल में भी डोंगरिया ने अकेले के एक सुपर डुपर रेड की बदौलत उन्होंने अपनी टीम को फाइनल में प्रवेश दिलाया, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। तभी तो कबड्डी में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे क्रिकेट में आखिरी बॉल तक कुछ कहा नहीं जा सकता, वैसे कबड्डी में आखिरी रेड और आखिरी सेकंड तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि मैच का रिजल्ट क्या निकलेगा। कार्तिक एक बार फिर से रेड के लिए तैयार। और इस बार बढ़िया चेन बनाई, उस चेन से निकलना कार्तिक के लिए नामुमकिन। राइट आउट 1 पॉइंट बाय काक्षवर। कड़क फील्डिंग के द्वारा जहां पे डिफेंस किया गया, योगेश भाई को कुछ हद तक चोट तो लगी है ऐसा महसूस कर रहे हैं हाथों में चोट। और यहां पर एक और काक्षोर का राइडर पकड़ लिया गया। पॉइंट जाता हुआ नजर आ रहा है आर्यन सागर की झोली में। आर्यन सागर के खिलाड़ी कुछ हद तक यहाँ पे हंसी खुशी से स्टाइल में स्टाइल दिखाना शुरू कर दिया है उन्होंने कि धीरे धीरे अब हम एक बार फिर से 2023-24 के यहाँ के विनर बनने के भूमिका में। लेकिन दादा ये शुरुआत है, आपकी पिक्चर बाकी है, आखिरी 10 मिनट में भी कुछ हो सकता है दादा, कुछ भी हो सकता है, जो सोचा नहीं होगा वो भी हो सकता है दादा। खेल है खेल। तभी तो कहा जाता है कभी हीरो तो कभी झीरो। अब आप तक आपकी टीम में कुछ हद तक बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आगे क्या करेगी पता नहीं। बोनस पॉइंट काक्षवड़। और अगली रेड एक बार फिर से कार्तिक के ऊपर तारंदार। कार्तिक आज के इस मैच के सुपरस्टार राइडर में से एक। ज्यादा से ज्यादा रीड करना और अपने आप का खुद का विकेट बचा करके रखना, ये कार्तिक आज अपने टीम के लिए योगदान दे रहे हैं। या ठिकाणी महिला मंडळींनी सुद्धा पूर्ण दिवस भर आपला खेतीवाड़ीचा काम धंदा सोडून या ठिकाणी सर्वांनी हजेरी लावली, त्याबद्दल तुमच्या सर्वांचं मनापासून अभिनंदन। लवकर सांगत जा
और यहाँ पर सेकंड हाफ की अगली रेड शुरू हो चुकी है और उस रेड की भूमिका में राहुल रेड के लिए तैयार। क्या राहुल टीम में वापसी करवाएंगे या नहीं? राहुल ने पहला डंका बजा दिया है, शायद राहुल ने मेरी बात सुन ली है ऐसा लगता है। बोनस स्लॉट और यहाँ पर कार्तिक की टीम को ऑल आउट से बचना है और काक्षोर को अगर लेवल पे जाना है तो कार्तिक की टीम को ऑल आउट करना है। दोनों टीमों के लिए कान मंत्र है, कौन ये कान मंत्र पर खरा उतरेगा, आर्यन सागर या फिर काक्षोर? ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। आर्यन सागर हमारे गैस सप्लाई मास्टर संजू दादा पैर पसार करके बैठे नाच का मजा ले रहे हैं। राइट राउंड 1 पॉइंट बाय आर्यन सागर गुड़वा। कार्तिक एक बार फिर से रेड के लिए तैयार। कार्तिक आज के इस मैच के हीरो रहेंगे अगर मैच को जीतते हैं तो, लेकिन मैच का जीतने का सपना अभी भी बहुत दूर है। सपना साकार होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। राहुल के गांव में भी टूर्नामेंट होने की चर्चा चल रही थी बारीपाड़ा में। क्या हुआ राहुल? मैंने सुनी थी तुम्हारी चर्चा। नहीं तुम आपल गांव का है तेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बारीपाड़ा की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे किसने बताया था कि राहुल टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा है? आता क्या बरबर माना वाला रसन पहले आशा आशा कर रस आता सरना हम पर। और अगली रेड यहाँ पे एक बार फिर से कार्तिक, 5 का डिफेंस काक्षोर के खेमे में मौजूद। कार्तिक रेड के लिए तैयार है, 5 का डिफेंस मौजूद। क्या यहाँ पे पॉइंट्स लेंगे या नहीं ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। और थोड़ी देर के बाद ये हमारा काक्षोर का ईडन गार्डन धीरे धीरे खाली होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये अंतिम मुकाबला है, फाइनल मैच है आर्यन सागर और काक्षोर के बीच। थर्ड रेड डुआ डाई मंगेश के लिए, यहाँ पे डुआ डाई में मंगेश को रेड के लिए आमंत्रित किया गया है। दोनों टीम को एक पॉइंट, दोनों के एक एक पॉइंट। सही फैसला, डोंगरिया शायद बाहर हो चुका है, अब कब अंदर आएगा इसकी चिंता ज्यादा रहेगी टीम को। और फाइनल में डोंगरू रेड क्यों नहीं कर रहा है इस पे भी काक्षोर के दर्शकों का ध्यान है कि डोंगरू को रेड के लिए क्यों नहीं यूज किया जा रहा है। क्या पता डोंगरू एक को रेड करे तो उसमें सुपर डुपर रेड करे और सामने वाले टीम को ऑल आउट के पदार पर लेकर के जाए। ऐसा अगर करना है तो ऐसा हो सकता है, मनोरथ स्वतः केल्याने होता है रे आदि केलेच पाहिजे। अगर आप करोगे तो शायद कभी आपका सपना साकार भी हो सकता है और कभी सपना चकनाचूर भी हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कार्तिक द्वारा एंटी ने और 7 नंबर जैसे के खिलाड़ी राहुल 4 के डिफेंस रेड के लिए तैयार। राहुल गए और तुरंत वापस। यहाँ पे एक बार फिर से खेला कुछ हद तक, 2-4 सेकंड का थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, उसके बाद ही बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हवाई जहाज की तरह टेकल किया भाई। हवा में उठाते उठाते फिर पलेर की ओर लेकर के जाने वाले थे। राइट आउट 10 पॉइंट शुरू है। और 4 का डिफेंस अभी भी ग्राउंड के भीतर, सॉरी 3 का डिफेंस है, 3 का सुपर टेकल। और
कार्तिक रेड के लिए तैयार, कार्तिक रेड के लिए तैयार। देख सकते कार्तिक, कार्तिक एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी टीम को ऑल आउट से बचा सकता है। कार्तिक सपोर्ट करने के लिए दो और महारथी अशोक भी तैयार है। अशोक एक ऑलराउंडर है जो आर्यन सागर का आज का हिस्सा है। जर या ठिकाणी ऑल आउट चा जर सामना करावा लागला आर्यन सागरला, ये 3-2-5 म्हणजे एकच पॉइंटची लीड असेल, पण असं करायला काक्षवडला खूप मेहनत घ्यावी लागेल। बरोबर ना? अरे भाई काय रे, बडी आचरण, वन टच होय काक्षवड। आर्यन सागर की ओर से यहाँ पे एक बार फिर से कार्तिक, कार्तिक अगर ग्राउंड पर बने रहेंगे तो कार्तिक की टीम को कोई प्रेशर टेंशन नहीं है, लेकिन 5 खिलाड़ी बाहर है, 2 ही खिलाड़ी ग्राउंड के भीतर। अलाउट क्या अलाउट से बचवाएगी नई टीम? कार्तिक को अलाउट से टीम को बचाना है, काक्षवड़ को सामने वाली टीम को अलाउट पे लाना है, तो मैच में मजा आएगा। जर्सी नंबर 11 के खिलाड़ी मेरे नहीं, 11 यांना समोरच्या टीमला ऑल आउट करायचंय। थर्ड रेड बिगुल बच चुका है दादा, थर्ड रेड का इशारा। तो किया था लेकिन कुछ हद तक राइडर का संतुलन लॉबी से बाहर नहीं कर पाए काक्षोड़ के खिलाड़ी। अगर लॉबी से बाहर फेंक देते तो मैच में कुछ मजा और आता, जो है सो है। जर्सी नंबर 11 के खिलाड़ी सिंगल बॉलर दबाए काक्षोड़, 4 के बीच एक बार फिर से रेड के लिए कार्तिक। ये 4 पॉइंट की रेड ना तो आर्यन सागर की टीम भूल पाएगी, ना तो काक्षेवड़ की टीम भूल पाएगी। 2 पॉइंट बाय आर्यन सागर गोलवा। आर्यन सागर अभी भी रखने वाली है, ऐसा यहाँ पे 80-85% ऐसा दिख रहा है मुझे कि शायद इस साल का भी इनाम आर्यन सागर लेके जाने की तैयारी भी नजर आ रही है। राइट आउट 1 पॉइंट काक्षवर नहीं बल्कि आर्यन सागर, 1+10 पॉइंट उसने अकेले ने 2-3 रेड में प्राप्त कर दिए। यही टर्निंग पॉइंट रहा, अगर आर्यन सागर जीतती है तो यही टर्निंग पॉइंट रहेगा कार्तिक का, मैच होनी पारी रहेगी उसकी 2-3 रेड की। यही है कबड्डी का चलवा। डोंगरिया भी अगर रहा इसकी तरफ पहले रेड करता तो शायद डोंगरिया भी कुछ मैच में वापसी कर सकता था। राइडर बाहर जाएंगे, राइड आउट 1 पॉइंट काक्षवर, 1 पॉइंट काक्षवर। की टीम ने कुछ नई रणनीति बना ली है लेकिन टाइम कितना बाकी उस पर सब निर्भर रहेगा। 1 टच पॉइंट आर्यन सागर, ओ सिंगल पॉइंट काक्षवर। कार्तिक एक बार फिर से सामने डिफेंस में रेड के लिए तैयार, कुछ ही सेकंड के लिए कार्तिक बाहर बैठे और कार्तिक को तुरंत अंदर करवा लिया। यही है कबड्डी का जलवा, कुछ ही देर के बाद फाइनल पर मोहर लग सकती है। लास्ट रेड आर्यन सागर गुड़वाड़, शाम का माहौल और ये फाइनल धीरे धीरे आर्यन सागर के नाम होता हुआ। पहले नंबर पर आर्यन सागर, दूसरे नंबर पर